बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नातिया फूड। आज हम बड़ी चटपटी और मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। सबकी ख्वाहिश होती है कि देगी स्टाइल में स्टीम चिकन बनाएं, और वो घर में इतने आराम से बनता ही नहीं है, और हम बनाएंगे आपके साथ मिलके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये तकरीबन 3.5 किलो चिकन लिया है, 2 चिकन हैं होल। अब इसमें मैं पानी डाल लूँगी, इतना पानी डालूँगी कि ये फिल हो जाए पूरा। अभी इसमें मैं 1/2 कप सिरका ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाल देना है इसमें। इसको मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए डिप करके इसमें रख दूंगी, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। अब ये सिरके में डिप हो गया हुआ था, नमक पानी और सिरका मैंने डाल दिया था। इसको तकरीबन मैंने 20 मिनट डिप किया। अब इसका ये पानी मैं ड्रेन कर दूंगी, ड्राई करके फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे सेकेंड स्टेज पे। मैंने तेज़ आंच पे तकरीबन 1/2 लीटर ऑयल डाल के कढ़ाई में रख दिए, और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा ये गर्म होता है तो फिर मैं चिकन इसमें रखूँगी। ऑयल काफ़ी गर्म हो गया, थोड़ा तेज़ गर्म मुझे ऑयल चाहिए, तो मैं इसकी 1/2 साइड डालूँगी इस तरह। और इसको तेज़ आँच पर मैंने फ्राई करने तकरीबन 5 से 7 मिनट। एक साइड जब फ्राई हो जाएगी फिर मैं इसको टर्न करूँगी, और बड़ी एहतियात से आपने करना है क्योंकि ये फुल चिकन है, तो ये ज़रा मेहनत से और एहतियात से बनेगा। पीसेस हों तो वो ज़रा इजीली फ्री हैंड होके आप काम कर सकते हैं। फ्राई होने के बाद चिकन की फाइनल स्टेज यही है। अब मैं इसमें थोड़े से कट्स लगाऊंगी, फिर मैं इसको मैरिनेट करती हूँ। कट्स इसलिए लगा रही हूँ कि मसाला अंदर तक चला जाए जो हम मैरिनेट करेंगे, और बस एहतियात से आप लगाएं ताकि आपके हाथ वगैरह पे कट्स नहीं आए। इसके भी बड़े अच्छे से कट्स आ गए, अब इनको मैं मैरिनेट करती हूँ। 350 ग्राम्स मैंने दही ले लिया, बीट कर दिए। केचप मैंने 2 टेबलस्पून भर के ले लिए, 2 से 3 भी डल सकते हैं, कोई मसला नहीं। और इसी तरह 1/2 प्याली के बराबर 3 बड़े बड़े लीमू हैं, मैंने उनका रस निकाल के रख लिया। भुना कुटा जीरा 1 टेबलस्पून है, 1 टेबलस्पून ही मेरे पास गरम मसाला है, 2 टीस्पून पिसी सुर्ख मिर्च है, 5-7 आलू बुखारे मैंने पानी में गरम पानी में भिगो के रख दिए, अब इसका गूदा मैश करके मैं वो भी ऐड कर दूँगी, 1 टीस्पून मोटी कुटी काली मिर्च है, पिसा धनिया 1 टीस्पून है, 2 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया था, देख सकते हैं ये नमक। ये सारी मैरिनेशन और प्लस इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूंगी, और वो सारा मैं चिकन को मैं लगा दूंगी। अभी ये सारा मैं दही में मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने गूदा निकाल लिया था आलू बुखारे का, ये सारा इसमें जाएगा। और गुठलियाँ आपने फेंकनी नहीं है, वेस्ट नहीं करनी, वो हमारे काम आएंगी, वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ डालें। तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने फूड कलर ले लिया, अब मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी, अच्छा सा इसका बैटर मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा स्पाइसी बनेगा, लेकिन मसाला ऊपर ऊपर ही होगा, थोड़ा थोड़ा अंदर टेस्ट जाएगा, फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। जितनी देर में हमारा ये मैरिनेट होगा, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हम मैरिनेट करके इसको रखेंगे। जितना ज़्यादा मैरिनेट करें अच्छा है, लेकिन अगर टाइम कम है तो 1.5 से 2 घंटे आप करके इसको रख सकते हैं। अच्छी तरह हम चिकन पे मलेंगे और इसको हम मैरिनेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब ये मैं मसाला इस पर पोर कर दूँगी सब,
और हाथ से मैं अच्छी तरह मलूंगी। मैंने हाथ बहुत अच्छी तरीके से धो लिए। जितनी मैरिनेशन हाथ से अंदर मिक्स हो सकती है, मली जा सकती है, चम्मच से या किसी और चीज़ से नहीं आप कर सकते। इसके कट्स में अच्छी तरह आप भरेंगे। इसको मैंने मैरिनेट कर दिया। बड़ा अच्छा इसमें कलर आ रहा है, बहुत खूबसूरत सा गोल्डन सा ऑरेंज सा जो देगी रोस्ट का कलर होता है वही कलर इसमें आ रहा है। अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। इसके बाद मैं इसके पानी जो बॉईल करूंगी उसमें जो अज्जा डालने हैं वो मैं उस वक्त आपको बताऊंगी। इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ रही हूँ। ये 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन, इसको मैरिनेट हो गया। अब मैंने ये थोड़े से मसाले लिए हैं, ये आपको बता दूं कि 1.5 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिए, 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत, 5-6 पत्ते मैंने तेज़पत्ते के ले लिए हैं, आलू बुखारे की जो मैंने गूदा निकाला था उसकी गुठलियाँ, 3 छोटी इलायची हैं, 2 बादियान के फूल हैं, और जो लीमू मैंने 3 बड़े बड़े डाले थे ये उसके छिलके हैं। ये सारे मैं इसमें डालूंगी। अब पैन मैं आपको बता दूं कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ा सा पैन लिया, बहुत बड़ा है, इसमें आराम से आ जाए। नीचे मैंने एक जाली वाली ये बास्केट सी रखी, इसके अंदर मैं ये सारे मसाले डाल दूँ। इसी में अब मैं तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड कर दूँ। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया और तेज़ आंच कर दी है। अब इसमें मैंने बाकी चीज़ें ऐड कर दी। अब ये वाली नेट मैं दोबारा इसके ऊपर रख दूँगी, इससे ये होगा स्टीम ऊपर आएगी लेकिन उसका जो भी मसाला है वो नीचे नहीं जाएगा। अब इस पर मैं बटर पेपर या कोई खाकी कागज़ अगर आपके पास हो ऐसा जो इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे पानी को, वो वाला मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बिछाऊँगी। वैक्स पेपर और बटर पेपर तो इसके लिए आइडियल है, लेकिन अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये ब्राउन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको ज़रा हेल्प मिल जाए इसमें। इसको पूरा बिछा देना है इसके ऊपर, साइडों से स्टीम आती रहेगी और नेट से सारा। ये इसलिए बिछाते हैं कि इसका मसाला नीचे ना जाए और सारे जूसेस इसके अंदर ही रह जाएं। ये अब आप देख लें, इसको सेटल कर चुकी हूँ। अब ये मसाला मैं इसके अंदर ही पोर कर दूंगी। अब ऐसा ढक्कन लें जो बिल्कुल इसके ऊपर बराबर ऐसे बैठ जाए। मैंने इस पतीले का सिलेक्शन इसीलिए किया था कि इसमें गहराई भी अच्छी है, नीचे नेट रखने के बाद ऊपर आराम से चिकन भी आ गया। इसके ऊपर अब आप वेट रखें, पत्थर आपके पास हैं या कोई और वेट है वो रख लें, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा सील कर देते हैं तो सील करना तो बेस्ट है लेकिन बाद में थोड़ा सा ना आटा उतारने में थोड़ी लोगों को दिक्कत होती है। मैं थोड़ा सा आपको आटा लगा के भी दिखा देती हूँ। अब ये मैं ढक्कन रख के इसको ये देखें प्रेस कर दूँगी। प्रेस करने का मकसद ये है कि ये सील हो जाए। अब ये अच्छी तरह सील हो गए। अब इसको मैं 1.5 घंटे के बाद खोलूँगी। अब मैं ये ढक्कन खोलने लगी, ये रेडी हो गया। आज का चटपटा सा स्टीम रोस्ट रेडी हो गया। इसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा है और मेरे से तो बिल्कुल भी इंतज़ार हो ही नहीं रहा कि मैं इसको वेट करूं। इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल नादिया फूड को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।